हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना जो सिलेबस है वो लगभग निपट चुका है, बस कुछ चीज़ें बची हैं जिसे हम अब कंप्लीट करते चल रहे हैं। लेकिन अब हम आ गए हैं रिवीजन मोड में, तो आप लोगों को चीज़ें जो है रिवाइज करनी ही होंगी। अगर आप चीज़ें रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखे और आप सिलेक्शन ले पाएं, तो उसके लिए दो काम करना कंपलसरी है। मतलब इससे आप नहीं बच सकते, चाहे आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए चाहे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। रिवीजन करना है पहले और फिर उसके बाद आप लोगों को उसके टेस्ट लगाने हैं। या आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे अपनी बुक से करो ऑफलाइन चाहे आप ऑनलाइन करो, ये आपका माध्यम है, जो आपका मन करता है आप वो करिए। लेकिन आपको रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। अगर आप ये दो काम नहीं करेंगे तब आप सिलेक्शन से काफी दूर हो जाएंगे। हम आ गए हैं रिवीजन मोड में और जब ये टारगेट चलेंगे तो इन टारगेट्स के अंदर ही मैं आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ चीजें दूंगा, जिससे कि आप लोग क्या करो, टारगेट अचीव करने के बाद टेस्ट लगा सको। और टेस्ट भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कहां पे टेस्ट लगाने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की, ये है आप लोगों का टारगेट डे 20 और मैथ्स लगभग निपट चुका है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के कुछ पार्ट रहते हैं, या फिर हमारा जो पार्ट रह जाता है वही कि द्विघात समीकरण से रिलेटेड, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, अभी निपटा लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की इजाजत और परमिशन मिल चुकी है मुझे कि भैया आप पेपर पे भी समझाना चाहते हो तो आप समझा सकते हो, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन समझा दूंगा आप लोगों को, पिक लेके और उसके क्वेश्चन ही समझा दूंगा, टेंशन फ्री हो गए। तो वो वाली चीजें आप छोड़ दीजिए। फिलहाल यहां देखिए, स्टैटिक जीके का क्या टारगेट है, साइंस का क्या टारगेट है, मैथ्स का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज जो टारगेट जाएगा उसके बाद टारगेट 3 दिन बाद जाएगा या 2 दिन बाद जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो टारगेट है किस दिन का है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें हमने डाला है कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, और इसमें डाला है मैथ्स में पाई चार्ट, बार ग्राफ, जिससे 5 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। 3 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। पाई चार्ट और बार ग्राफ प्लस ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स आप लोगों को करना है। अभी बात करेंगे कैसे क्या करना है और इनकी कथन पूर्व धारणा को किस तरह से कंप्लीट करना है। और अब टारगेट डे जो 1 और 2 था उसका रिवीजन भी इसके अंदर इंक्लूड करके इसके टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं। साथ में आप लोग देख रहे होंगे स्टैटिक जीके के अंदर जीके के 6 टेस्ट जो 25-25 क्वेश्चंस के हैं, लेटेस्ट पैटर्न के बेस पर बनाए गए हैं, आप लोगों को वो टेस्ट देने कंपलसरी होंगे, अभी बात करेंगे। और ठीक इसी तरीके से साइंस है, इसके जो टेस्ट हैं वो सारे के सारे रटने हैं। रटने मतलब आप लोगों ने रिवीजन कर लिया, पढ़ लिया, तो वो अपने आप ही रट जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है उन्हें। आप बार बार जब उन चीजों को दोगे तो ऑटोमेटिकली रट जाएंगे। अब ये दिए इतने सारे क्यों हैं, वो इसलिए दिए हैं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 दिन है आप लोगों के पास, उसमें आप लोगों को क्या करना है, पुरानी चीजों को रिवाइज करना है, ये टारगेट्स को कंप्लीट करना है और टेस्ट देने हैं। इन 3 दिनों में ये सारा काम निपटाना है आप लोगों को, और जब इन 3 दिनों में ये काम निपटाना है तो आपके सर पे कुछ ना कुछ होना चाहिए लोड। ऐसे नहीं है कि इतना सा टारगेट दे दिया हो गया ना, अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो करना क्या है, ये रहा स्टैटिक जीके। इसमें अब स्टैटिक जीके की भी जब मैं मतलब जब जीके वाली बुक खोलता हूं तो ज्यादातर चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग चीजें हैं वो मैं दे रहा हूं, जो 2 से 3 दिन के अंदर वो भी निपट जाएंगी। फिर तो आप रिवीजन प्रैक्टिस और साथ में जो टॉपिक्स बचे हैं उनको हम हैंडल करते हुए चलेंगे, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे वो रीजनिंग के हों। तो गाइज अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके में। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख जो ये रह रहे थे, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि सार्क का पूछ सकता है आपसे, ठीक है, या यूएन का पूछ सकता है आपसे कि यूएन में अध्यक्ष कौन है, ये चेयरपर्सन कौन है, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये यूएन के हेड कौन है इस टाइम पे, ठीक है, यूनेस्को के पूछ सकता है, जिनके चेंज हुए हैं उनके पूछेगा ही पूछेगा, और जो बहुत बड़ी एजेंसीज हैं जैसे कि यूएन है उसके बारे में आप लोगों से चीजें पूछेगा ही पूछेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संगठनों के प्रमुख प्लस भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आई हुई है, जो एक बार मैं पहले भी दे चुका हूं लेकिन मैं दोबारा दे रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी जारी हुई है फरवरी के अंदर, और यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर दी गई हैं, तो ये रिपोर्ट आपको पढ़नी ही पढ़नी है।
प्लस प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ये एकमात्र ऐसा पेज है जिसके अंदर जैसे ये वाली चीजें हैं ना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इस एक पेज पे कंप्लीट हैं, सिर्फ एक पेज पे। तो वो पेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और वो पेज हर किसी के पास प्रिंट में होना चाहिए। मतलब वो चीजें वो वाली हैं कि उसमें एक एक चीज नई वाली, चाहे हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जितनी नियुक्तियां हुई हैं, करीब 40 के आसपास हमारे जो राष्ट्रीय लेवल पे नियुक्तियां हुई हैं और 40 से 50 जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नियुक्तियां हुई हैं, जो हाल फिलहाल मतलब पिछले एक साल के अंदर जो चेंजेस आए हैं, वो सारी की सारी हमारे पास हाथ में होनी चाहिए और वो चीजें रटी होनी चाहिए, उसमें का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं कह रहा हूं पीछे की नियुक्तियां भले ही छोड़ दो, लेकिन जो वो पेज है एक, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। मिल जाएगी पीडीएफ, टेंशन मत लो, और मैं मार्क करके भी बता दूंगा कौन सा पेज है। नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद, तो इसमें सिर्फ आपको कैबिनेट मंत्री इंपोर्टेंट है, वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है भारत के हाईकोर्ट प्लस जस्टिस। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है, उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उच्चतम न्यायालय, वो सॉरी उच्च न्यायालय कहां पर है। उच्चतम तो आपको पता ही है दिल्ली में, ठीक है, उसको तो छोड़ ही दो, वो तो एक ही है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। तो लेकिन हाईकोर्ट जो है स्टेट के अलग अलग हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, तो आपको स्थान तो पता होना ही चाहिए। साथ में जो चेंज हुए हैं हाई कोर्ट के जजेस, जो चीफ जस्टिस हैं वहां के, वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि वो कौन है वहां पे, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहां पे आपको पता चल गई। इसके बाद विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहां, ये क्या टॉपिक है, ये वही टॉपिक है, लगभग लगभग इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। ये वाला जो चीज है ना, ये वाली प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां 2020-21 प्लस इसके साथ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां भी ऐड करो, ठीक है, राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय, ये दोनों चीजें ऐड होंगी, इसके अंदर ही ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा जो यहां पे आया है, नवीनतम केंद्रीय मंत्रियों की मंत्री परिषद प्लस इसके साथ साथ एक विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहां, ये वाला टॉपिक भी इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जिनके प्रधानमंत्री चेंज हुए होंगे, जिनके राष्ट्रपति चेंज हुए होंगे, वो उसी एक पेज पे होंगे, लेकिन उसकी जो कैपिटल है, जो करेंसी है, वो आपको इसी पेज पे मिलेगी, जो विश्व के प्रमुख देश कौन कहां क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम। यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही कि बापूजी, ठीक है, या किसी और का भी नाम देख लो आप, कि तिलक किसको कहा जाता है, तिलक नाम किसने दिया, या फिर महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इस तरह के बहुत सारी चीजें कि इनको ये उपाधि किसने दी। तो इनके जो उपनाम हैं वो आप लोगों को रटे होने चाहिए कि किसको क्या कहा जाता था, ठीक है, केसरे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, और ये और वो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जो खत्म होने को हैं बस। नेक्स्ट है भारतीय लेखक हैं कुछ, उनकी पुस्तकें पुरानी भी हैं तो पूछी जाती हैं, जैसे कि चेतन भगत हैं, खुशवंत सिंह हैं, ये इनकी जो पुरानी किताबें भी हैं वो भी पूछता है, अमित त्रिपाठी हैं, अमित त्रिपाठी और चेतन भगत, ये दो लोग तो ऐसे हैं कि उनके फेवरेट हैं, आपसे इनकी रिलेटेड पुस्तकें पूछी ही जाएंगी, चाहे इन्होंने 2014 में भी लिखी है तब भी पूछी जाती है, और जो ये आगे लिखने वाले हैं वो भी पूछी जाती है। तो इनकी जो पुस्तकें हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग रट डालना, बस हो गया काम, इतना ही करना है। मैंने एग्जाम दिया है, मैं खुद बता रहा हूं कि इन पे इतना फोकस्ड रहता है वो, चेतन भगत से और अमित त्रिपाठी से तो पता नहीं कितना इंप्रेस्ड है। मैंने तो इनके लिए अलग से सेक्शन बनाया था, गूगल से सर्च करके किताबें लिखी थी, आपको तो एक जगह मिल जाएंगी सारी किताबें, ठीक है। और साइंस में अगर मैं बात करूं तो साइंस में ये हो गया, सॉरी, शहरों के उपनाम भी हमें करने हैं, पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है, फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, इस तरह से बहुत सारे जो शहर हैं उनके उपनाम हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो शहरों के उपनाम और दिए गए नारे कि किस ने क्या नारा दिया था, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, करो या मरो, इस टाइम पे आपके लिए भी ये वाला नारा सिद्ध होता है कि या तो करना है या फिर छोड़ देना है, मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन है, कर लो तभी कुछ होगा, जैसे गांधी जी ने उस टाइम पे कह दिया था, या तो करो या फिर मरो, समझ आ गई ना। ये वाले चीजें हैं, मरने जैसे ही हालात रह जाते हैं, फिर जब आदमी 300 रुपए की दिहाड़ी करता है क्या ही रह जाता है, ठीक है। जीके के 6 टेस्ट रटे होने चाहिए, कम से कम 6 टेस्ट उसमें आपको रटे होने चाहिए, 6 टेस्ट, फिर 6 टेस्ट इसलिए क्योंकि 3 दिन का समय है,
अगर एक दिन का समय होता तो मैं दो ही टेस्ट देता, लेकिन अभी तीन दिन का समय है तो हम 6 टेस्ट दे रहे हैं आप लोगों को, और वो चीज़ें आप रटते चलिए लगातार। जब 40 टेस्ट हो जाएंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस इतने ऊपर लेवल पे होगा, आप सोचेंगे यार कहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए करके आएंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें रट रखी होंगी। आपका दिमाग भी तभी रेस्पॉन्स करेगा जब आपको ये पता होगा आपके दिमाग को कि यार तूने बहुत पढ़ रखा है, इससे बाहर चीज़ें जाएंगी भी तो क्या जाएंगी, मुझसे नहीं होगा तो फिर किसी से भी नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जीके के जो 6 टेस्ट हैं वो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लगाने हैं। 5 टेस्ट तो अभी फ्री ही हैं, तो कोई भी जाके लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे की चीज़ें तो आप लोगों को करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि 40 टेस्ट हैं ये जीके के, और 40 टेस्ट के अंदर हम फोकस्ड हैं पूरा कि लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली जाएँ, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर कर ली जाएँ, उससे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो टॉपिक मैं इसमें डाल रहा हूँ उस टॉपिक पर नज़र जरूर से ज़रूर घुमाना, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, साइंस में धातु और अधातुओं वाला चैप्टर करना है। वैसे तो हम साइंस में पहला चैप्टर करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं वाला, लेकिन उसको अभी छोड़ दिया है। धातु और अधातु इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कार्बन पढ़ लिया है, कार्बन के बारे में पढ़ लिया, कार्बनिक यौगिक की मैंने लेक्चर भी प्रोवाइड करा रखा था, उसके बाद ये वाला टॉपिक है धातु एवं अधातुएं। अब आप विश्वास मानिए, सिर्फ एक अम्ल और क्षार वाला टॉपिक बचा और एक आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं बची, इसके अलावा कोई टॉपिक बचता नहीं है, काम खत्म। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस तो बेटा निपट लिया तुम्हारा, अब तुम रिवीजन कैसे करोगे वो होगा। बायो के ऑल इंपॉर्टेंट 4 पेजेस देने हैं, कंप्लीट करने हैं, बायो के 4 पेजेस तो आपको कंप्लीट करने हैं, प्लस ऑल ह्यूमन सिस्टम का रिवीजन करना है। जितने भी ह्यूमन सिस्टम मैंने आपको दिए, चाहे वो पाचन तंत्र था, चाहे वो श्वसन तंत्र था, जितने भी तंत्र थे उन सबका आपको रिवीजन करना है, और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें फिर ऊपर चल देंगी। एक तो उसका रिवीजन करना है, आपने एनिमल किंगडम कर लिया है और प्लांट किंगडम जो है, ये दो चीजें आप लोगों को और कवर करनी है इन 3 दिन के अंदर। एनिमल किंगडम आपने कर लिया है, बोला भी नहीं जा रहा है, एनिमल किंगडम, टाइम तो देख लो, एक बार देख लो, हार मत माना करो, देख लो टाइम, देखो कितना टाइम हो रहा है, 2:25 खड़े हैं ना अभी, इसके बाद 2-3 वीडियो और शूट करनी है, एप्लीकेशन के लिए अलग से वीडियो शूट करनी पड़ती है, यूट्यूब के लिए अलग शूट करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे हो एक बंदा और जॉब अलग, इतनी हालत खराब रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मान रहे, और जब हम हार नहीं मान रहे तो आपको भी हार नहीं माननी है, दिन रात लगे रहो। देखो प्रैक्टिस तो करनी है, आप अपना 1-2 रुपया बचा के आप इतनी बड़ी चीज खोदोगे बाद में कि आप लोग पछताओगे कि भैया मैं टेस्ट लगा लेता तब बहुत अच्छा रहता। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपका मन हो वैसा करो, लेकिन अब टारगेट्स के अंदर ही प्रैक्टिस चलेगी तो क्या करोगे, प्रैक्टिस तो करनी है, पीछे की चीजें रिवाइज करेंगे, आगे हम टेस्ट देते चलेंगे। हमारे पास 10 दिन है, 10-12 दिन, और इन 10-12 दिन में काम खत्म, उससे बाहर कुछ चीजें आनी नहीं है। चलिए यहां देखो, धातु एवं अधातु हो गया, बायो के ऑल इंपोर्टेंट 4 पेजेस जो मेरे को देने हैं वो मैं दे दूंगा, केमिस्ट्री के जा चुके हैं, फिजिक्स के जा चुके हैं, बायो के आपके पास चले जाएंगे। कंप्यूटर का एक ही पेज है जो आपके पास चला जाएगा, उससे इंपोर्टेंट चीजें कर लेनी है, फुल फॉर्म आप कर ही चुके हो कंप्यूटर की, बस हो गया। ऑल ह्यूमन सिस्टम का रिवीजन, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, आपके पास 3 दिन है, एक एक क्वेश्चन रटा होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन। अगर कोई भी मुझे ऐसा बच्चा मिला जिसने कि भैया मुझे ह्यूमन सिस्टम की चीजें याद नहीं है, तो ये आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे होगे। अगर आप कहोगे तो मैं इसके स्पेशल टेस्ट भी बनवा दूंगा, लेकिन ये चीजें रट डालो। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम हो गया, और ऑल साइंस टेस्ट रटे होने चाहिए। साइंस के लिए मैंने सारे टेस्ट दे दिए हैं, 14-15 टेस्ट हैं, 5 फ्री हैं, उसके अलावा तो पेड हैं सब। लेकिन आप लोग जिनके पास टेस्ट सीरीज है, भैया मैं बार बार कह रहा हूँ इन टेस्टों को लगाओ, एक एक क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। आप अगर ये सारे क्वेश्चन करके जाओ, चलो ज़्यादा मत करो, कम से कम लो 8 से 10 टेस्ट, 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट हैं यार, ज़्यादा नहीं है, 3 दिन है आपके पास, इन क्वेश्चंस को रट डालो। हर सेट में 5 से 7 न्यूमेरिकल होंगे, 5 के आसपास न्यूमेरिकल होंगे, और बाकी तो थियोरिटिकल क्वेश्चंस हैं, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते चलना, और बाकी चीजें पता ही है, नीचे सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। इतना आप लोगों को करना है। मैथ्स की मैं बात करूं तो मैंने पाई चार्ट और बार ग्राफ दिया है, इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी लेवल के आते हैं, आपके बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम से सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आप बना लोगे, प्रीवियस ईयर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, और अगर आप कहोगे तो इसका लेक्चर भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ही लेक्चर हो पाएगा उसका, क्योंकि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि मैं बोर्ड पर रह पाऊंगा इतने टाइम तक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स, इसकी वीडियो भी देनी है और वीडियो भी देंगे, लेकिन आप लोगों को बेसिक्स में बुक प्रोवाइड कर, बुक की चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, वो तो देख ही लेनी है, फिर बेसिक्स मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा ही। इसके बाद प्रैक्टिस सेट ऑफ मैथ्स, 5 प्रैक्टिस सेट,
कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं, बल्कि 6 ही करो इन 3 दिन के अंदर, क्योंकि जल्दी जल्दी कवर करते चलो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर डेली 2-3 टेस्ट नहीं लगाओगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी। 25-25 क्वेश्चन के सेट हैं, ज़्यादा नहीं है, 25 मिनट लगने हैं, 25 मिनट का ही टाइमिंग दे रखी है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस में आप 25 मिनट और ले लो तो 1 घंटे के अंदर बड़ी, मतलब 2 घंटे आप लोगों को देने हैं और बड़ी आसानी से सारी चीज़ें निपटा लोगे इसकी। और जब रिवीजन का टाइम है तो रिवीजन करो टेस्ट दो, रिवीजन करो टेस्ट दो, यही काम तो करना है, इससे क्या। और इसमें एक भी क्वेश्चन किसी का बाहर का नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, इस चीज को सोच लो बस। नेक्स्ट है रीजनिंग के कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा और धारणा अवधारणा। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है, एक बात तो इनमें निश्चित है कि रेलवे में बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर है, मतलब आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पूर्व धारणा होती क्या है, अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है तब आप क्वेश्चन को उड़ा ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको वो लाइन समझनी है कि कथन में पूर्व धारणा का मतलब क्या है, तर्क का क्या मतलब है, निष्कर्ष का क्या मतलब है, जब तर्क पूछेगा तब कैसे आंसर करना है, जब निष्कर्ष पूछेगा तब कैसे आंसर करना है, और जब पूर्व धारणा, धारणा, मान्यता पूछेगा तब कैसे आंसर करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, पूर्व धारणाएं जिसे अजम्पशन बोलते हैं, धारणाएं उसको भी अजम्पशन बोलते हैं, मान्यताएं उसको भी अजम्पशन बोलते हैं, अवधारणाएं वो सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आएगा तर्क या निष्कर्ष। एक बात याद रखना, देखो जैसे आपने कोई कथन बोला, कोई भी कथन बोलो, देखो कुछ लाइन होती है छोटी सी, उसके बेस पर भी आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे लगभग लगभग, बाकी तो मैं लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा ही। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ भी बताऊं, इसमें पहले सुन लो क्या है, तो रीजनिंग के कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, इसके आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, और फिर इसके बाद मैं वीडियो भी सजेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं है, मैं वीडियो प्रोवाइड भी कराऊंगा, सजेस्ट भी करूंगा, क्योंकि मुझे आपके सिलेक्शन से, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना मेरे लिए कभी इंपॉर्टेंट ना था ना है। मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाऊंगा, बस मेरा बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, चाहे जिससे पढ़ के हो, अगर मुझे लग रहा है यूट्यूब पे मुझसे अच्छा किसी ने पढ़ाया है तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा एज ए टीचर एक फर्ज बनता है कि मैं आपको उसे सजेस्ट करूं कि भाई उससे जाके पढ़। और ये अच्छे टीचर की पहचान भी है, ये नहीं कि सब कुछ मैं ही करा दूंगा, मैं ही करा दूँ, चाहे मैं चूतिया हूँ, मुझे आता जाता कुछ नहीं, बस यहाँ जीके के 4 क्वेश्चन लिखूंगा आपको समझाऊंगा कि ले भाई। अरे जब मुझसे अच्छा किसी ने करा रखा है तो भाई उसको देखो ना, मैं क्या करवा सकता हूँ उसमें, समझ रहे हो ना। और कुछ चूतियाँ हैं ऐसे, मैं देख रहा हूँ, जो बुराई तो हमारी करते हैं, मतलब बुराई कर रहे हैं और काम वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, मतलब हमारी बुराई करके कि उनके टारगेट से कुछ नहीं होगा और टारगेट फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, खुद टारगेट करा रहे हैं। तो भाई जब तू हमारी बुराई कर रहा है तो तू वही चीज़ें क्यों कॉपी कर रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब जिन चीज़ों को तू बुरा बता रहा है उन्हीं चीज़ों को चूतियों की तरह कर रहा है। पहले कह रहा है घर बैठ के पढ़ लो, फिर उसके बाद कह रहा है कि ये 10 क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे कि ये आएंगे। अबे ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है, ये 10 क्वेश्चन क्या चीज़ है, तेरे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे क्या, हम क्यों नहीं कराते जीके वीके ऐसे, हमें पता है कि हमसे बेस्ट चीज़ें किसी ने प्रोवाइड करवा रखी है। लेकिन मैंने जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए वो मैंने इसलिए कराए क्योंकि ऐसे लेक्चर प्रोवाइड ही नहीं थे, पूरे यूट्यूब पे आप जाके देख लो, अगर आपको सैन्य अभ्यास वाली ऐसी वीडियो मिल जाए तो। जितनी मैंने वीडियोज प्रोवाइड कराई है, मैंने टेनिस ग्रैंड स्लम कराए, पूरी यूट्यूब के ऊपर ऐसा वीडियो मिल ही नहीं सकता। तो जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने प्रोवाइड करवा दी, लेकिन जो चीज़ें मुझसे अच्छी किसी ने करवा रखी हैं, देन मेरा फर्ज है कि आपको मैं उसकी वीडियो सजेस्ट करूंगा। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष ठीक है, इसके जो टेस्ट हैं आप लोगों को 6 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 6 प्रैक्टिस सेट। इसके अंदर हर तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर है, सिर्फ और सिर्फ। जैसा आपको पेपर रीजनिंग का मिलेगा ना जाके वहाँ, सेम वही चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, 25 क्वेश्चन का एक सेट है, 6 टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं इन 3 दिन के अंदर। टारगेट बहुत ज़्यादा है लेकिन करना है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो दिक्कत है। लेकिन आपको मैं बता दूं, 15 सेट लगाने के बाद भी ना, हर सेक्शन के 15-15 टेस्ट लगाने के बाद ना, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा। आपको ये पता होगा कि यार मेरे जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, वो मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और टारगेट डे 1 और 2 इनके भी आप लोगों को टेस्ट लगाने हैं रिवीजन करने के बाद। बिना रिवीजन के टेस्ट नहीं लगाओगे, पहले रिवीजन करोगे टारगेट डे 1 और 2 का और तब इसके टेस्ट लगाओगे। ये आज का टारगेट में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहीं, समझ गए। तो आई होप कि आप लोग चीज़ें समझे हैं। तो कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा की बात चल रही थी, देखो इसकी जैसे की पॉइंट मैं चलो छोटा सा बता देता हूँ, जिससे आप क्वेश्चन लगा पाओ। बना के देखना, लग जाएंगे क्वेश्चन, फिर भी बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे, जब समझाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं। फिलहाल देखो, किसी ने कोई बात बोली, ठीक है, और उसका जो निष्कर्ष निकला, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो बात है,
वही चीज एक तरह से पूर्व धारणा है, या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि जैसे मैंने कोई बात बोली वो क्या सोच के बोली, मतलब उससे पहले मेरी सोच क्या रही है, मेरी धारणा क्या रही है उस चीज को बोलने से पहले। देखो निष्कर्ष निकलेगा बोलने के बाद, पूर्व धारणा होगी इससे बोलने से पहले। मान लीजिए मैंने एक बात बोलनी है तो उस बात को बोलने के बाद तो निकलेगा निष्कर्ष, लेकिन इस बात को बोलने से पहले जो चीजें मैंने सोची हैं वो सारी की सारी हैं पूर्व धारणा। मतलब मेरी जो मैंने कोई बात बोली तो मेरी कोई धारणा रही होगी ना, मतलब मैंने कुछ सोचा होगा ना, कोई मान्यता होगी तभी मैंने वो बात बोली है। अब ये बात है ये ही आप लोगों को घुमाएगी। तो कथन और निष्कर्ष के बीच की चीज एक तरह से क्या है, पूर्व धारणा है, या ये सीधा सा फंडा समझो कि जो आदमी बोल रहा है उसने बोलने से पहले क्या बात सोची है। आप उसकी जगह खड़े होइए और फिर सोचिए। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल देखिए कितना सिंपल है। अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया, ये क्वेश्चन है। क्या कोई डॉक्टर ने क्या किया, अपनी दवाई बदल दी दूसरी विजिट पे, ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब ये किसने कहा, किसी ने बात बोली तो उसने क्या सोच के बोली होगी वो बात, क्या पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था। बिल्कुल सही बात है। देखो ये ध्यान रखना, कथन में और पूर्व धारणा में बहुत डिफरेंस होता है। पूर्व धारणा पहले से सोच रखी होगी, मैंने बोला कि डॉक्टर ने, मैंने किसी को बताया, मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर ने क्या किया, अपने दूसरे विजिट पर दवाई बदल दी थी, मैं किसी को बता रहा हूं, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि दवाई इसीलिए बदली है क्योंकि जो उसकी पीछे वाली दवाई थी वो सही नहीं थी, तो बोल रहा है वो पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ है जो पिछली दवाई दी थी। तो पूर्व धारणा छिपी हुई होगी, पूर्व धारणा आपको ये नहीं बताएगी, कभी आप सोच रहे हो कि पूर्व धारणा आपको कथन में आके बताएगी ना, आपको अपना दिमाग लगाना है पूर्व धारणा में, वो कथन के बीच में आपको सेट करके देखनी है। अगर वो सेट हो गई तब बात सही है, अगर वो सेट नहीं हुई तब बेकार है, क्योंकि वो छुपी हुई चीज है, आपके सामने नहीं आएगी जबकि कंक्लूजन आपके सामने निकला हुआ होगा, वो कथन में से ही आएगा। ये भी कथन में से होती है लेकिन ये हिडन होती है, पूर्व धारणा हिडन होती है, क्योंकि जो बात बोल दी वो पहले सोच के बोल दी, अब निष्कर्ष निकलेंगे बोलने के बाद। इस चीज को आप समझिए, समझ गए, थोड़ी बहुत चीजें आई होप कि क्लियर हुई होंगी। तो अब देखिए एक दूसरा चीज देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। जैसे एक क्वेश्चन बोला, हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए, ये एक उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया कि भैया हमारे यहाँ आइए निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए। तो उसने जो वो बात बोली है, अब देखो एडवर्टीजमेंट वगैरह हमें उनके सही मानने पड़ते हैं, ये एक रूल है कि जो कोई एडवर्टीजमेंट दिया है उसको आप सही मानेंगे। जैसे किसी ने कहा कंपनी एक्स की बाइक दुनिया की सबसे अच्छी बाइक है, तो आपको कथन के अनुसार ही मानना पड़ेगा कि हाँ भैया ठीक है उसकी बाइक सबसे अच्छी होगी। आप ये नहीं कहोगे ना ना मैंने तो होंडा की चलाई है बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट, अब धारणाएं क्या हैं, उसने ये तो बात बोल दी कि दुगुना कीजिए निवेश, कथन एक अवास्तविक आश्वासन है, आप क्या ये वाली बात बोलेंगे कि भैया जो इसने बात बोली है वो झूठी बोली है, क्या कंपनी का एग्जीक्यूटिव एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है तो वो झूठ समझ के निकाल रहा होगा, मतलब उसने जो बात बोली है वो इसलिए बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं ना। दूसरी चीज, लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं, भैया उसने जो बात निकाली है या एडवर्टीजमेंट निकाला है वो इसीलिए तो निकाला है कि लोग जो अपनी कमाई है उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तभी तो उसने वो चीज़ निकाली है, अदरवाइज वो नहीं निकालता। तो गाइज अभी तो खाली है, ऐसे ही समझाया है, उसके बाद आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझाएंगे तब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया इसमें। तो गाइज अगर आप कहोगे तो इसके